फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने इन लॉज की फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन। हमने जाना चश्मा बराज। मुंडा खाना तुमने? मुंडा तुम्हें क्या पता हो केको को मुंडा क्या होता है? तीन चार पाँच घंटे हमें यहाँ बैठना पड़ना है, लोगों को सारा साइड पे गाड़ी जा रही है। देखिए चश्मा बराज में अलग लेवल की ठंड है। ओह माय गॉड भाई, ये वो गिफ्ट है जो लोगों ने कहा था भाई आपने सफोरा से जितने बड़े बड़े डब्बे लिए उन डब्बों में क्या था। ओ माय गॉड व्हाट्स इनसाइड। आपको पता है कि कल रात मैं बहुत लेट सोई थी पैकिंग चैकिंग करके, क्योंकि हम लोगों ने आज निकलना है चश्मा की तरफ जहाँ पे रहती हैं अरीब की सिस्टर, और निकलना था हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग, लेकिन अरीब साहब जो है वो सुबह आए हैं, कोई मेरा ख्याल से 6 बजे आए और जिस वक्त मैं सो रही थी। लेकिन जनाब सारी रात हम क्रिकेट खेलते हैं और सारा दिन हम सोते हैं। मैंने भी बाकी की जो रिमेनिंग पैकिंग थी वो सारी कर ली हुई है, अभी हम रेडी हैं जाने के लिए। लेकिन अरीब की सूरत हाल जानते हैं कि क्या वो रेडी है या नहीं, अभी उसकी तरफ चलते हैं। ये देखो, नहीं भाई मेरा अरीब उठ जाए, क्यों जाना नहीं है? किधर अरीब? किधर? सारा रात क्रिकेट खिलवा लो इस लड़के से और सारा दिन। अरीब जाना था नीचे, भाई वेट कर रहे हैं। तुम लोग जाओ। तो आपने नहीं जाना? सोने दो अरीब, तंग ना करो। अजीब लड़का है ये, सारा सारी रात। वीकेंड है आज, सैटरडे है आज, मैं एंजॉय करूंगा, ये नहीं पता था कि सुबह कहीं निकलना है। अरीब उठ जाए, संडे को तो सोने दिया करो। मैंने आपको पूरे हफ्ते कभी नहीं जल्दी उठाया क्योंकि मैं खुद लेट उठती हूँ। मुंह ऐसे छुपा रहे हैं जैसे मेकअप नहीं किया लड़कियां छुपाती। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ होगा इस टाइम, मैं मुंह नींद में हूँ, बोलो क्या है। उठ जाए अरीब भाई, वेट कर रहे हैं, चले आगे उठ जाए ना। अपने हाथ में पैकिंग कर ली है, मैंने सारी पैकिंग कर ली, बैग भी नीचे पहुंचा दिया, तैयार भी होगी। आई एम रेडी टू गो, आई एम वेटिंग फॉर यू। नाश्ता कर लो, सब कुछ नाश्ता भी हो गया, सब हो गया, उठ जाओ, कोई बहाना नहीं है अब आपके पास। कसम से उठाना होगा, कुछ काम रहता हुआ मैंने कसम से फिर सो जाना। मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा, क्या करना, मैंने फिर सो जाना। अरे कोई काम नहीं रहता, उठे। 2000 years later. सोते उस नींद का गुजार कोई नहीं। फिर ये आखिरी हफ्ता है जब आप क्रिकेट खेलने गए हैं, उसके बाद का हफ्ता खत्म कर देंगे। ऐसी की ऐसी तो फिर ऐसी की ऐसी, उठे जल्दी, फ्रेश हो रहे हैं आप। मैं तब तक नीचे जाती हूँ, सूटकेस मैंने भिजवा दिया, सिर्फ मेरा हैंडबैग है और आपकी जैकेट पड़ी है, ये आपने लेती आना है। मैं बस नीचे चल रही हूँ। अगर आप लोगों ने सबसे पहले मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे बड़ा मजा आने वाला है। ये हमारा ट्रैवल किस तरह से गुजरता है, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने इन लॉज की फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन, जो कि 5 से 6 घंटे की जो है वो यहाँ से डिस्टेंस है। पहुंचते देखते हैं बिल्ली तैयार हुई है या बिल्ली के अरीब की तरह एक्टिंग कर रही है। देखो ये लड़का यहाँ नीचे आया है, ये अरीब बॉल है नीचे जुहान का। बॉल नहीं है, दरवाजा नहीं खोल रहा। क्यों, उसको क्या हुआ? फूल गए बाहर की तरफ खोल रहा। अस्तगफिरुल्लाह, नींद में इतना वो हुआ है कि उसको यही नहीं पता चाचू को क्या हो गया। चले जी गाइस, मैं जरा सामान वगैरह शिफ्ट कर लूं, फिर वो देखो वो कहां पहुंच गए। अल्लाह, मैं लेके आती हूं उसके, आप फुटबॉल के जूते निकालने अपने, चले इधर 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 इधर। ये क्या है, ये लड़का क्या है? ये भी जा रहा है, ये पुप्पो के घर जा रहा है, जा रहा पार्टी। पिछले 1 घंटे से हम लोग गरीब का वेट कर रहे हैं, ऊपर से लैपटॉप लेने गया था और अभी तक नहीं आया। अब 1 घंटे के बाद सर तशरीफ लाए हैं, लाए भी हैं तशरीफ। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बात सुने अरीब? स्नैक्स पकड़ लिए ट्रिप के लिए? एक आधा स्नैक मैंने पकड़ लिया अपने लिए। सब कुछ रेडी है? जी सब रेडी है, बस आपका वेट है। जी सर, लेट्स गो। ये इतनी एक्टिंग कर रहे हैं ना आज, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगता है अरीब भाई आखिरी हफ्ता था ये जो मैच खेलने गया है मेरे घर में। मुझे आपका सारा बिजनेस, पिलो भी रख लिया, ब्लैंकेट भी रख लिया, ठीक है, फिट है, फिट फाट फैट। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं सीधा चश्मा, और वहाँ पे पहुँच के रास्ते में जो जो सूरत हाल होएगी वो कर दिखाते जाएंगे आपको। कुछ खाएंगे पियेंगे, स्नैक्स कर लिए? हाँ जी हमने कर लिया। मैंने नहीं करना था, है? आप सो रहे थे, आप नींद पूरी कर रहे थे। उठाना था अरीब जी, जितना देर लगा के मैं आपको उठाया ना उतनी देर में 6 ब्रेकफास्ट हो गए लोगों के। ये लड़की मुझसे लड़ रही थी कि नींद नहीं पूरी होती, खुद देखो पूरे रास्ते जब से रास्ता शुरू हुआ है सोई जा रही है, सोई जा रही है, सोई जा रही है। मैंने केली ने पैकिंग की, आप इमेजिन होगा मैं सुबह सुबह उठ गई जल्दी, सारा कुछ समेटा, आई तो भी गाड़ी में भी ना सोती। एक की प्यारी थंबनेल के लिए मैंने पिक्चर ली है ना, एक रहा तुम्हारी अरे वो लगी ना तो मैं मारूंगी। वही लगेगी, वही तुम लगाओगी, कंफर्म प्रॉमिस करो।
आप लोगों के लिए अगर अच्छी हुई ना मैं देखूंगी, अगर मुझे पसंद आई तो लगा। हम लोग निकल पड़े थे, मैं तो रास्ते में गई थी सो, और आधा रास्ता गुजर चुका है और आधे रास्ते मैंने सो के गुजारा है, और अरीब साहब ने पता नहीं मेरी कौन कौन सी फोटोज लेते रहे हैं। मैं बहुत मदहोश होकर सोई हुई थी, मेरे समझ नहीं कैसे सोई हुई थी। अरीब हर बंदा ऐसे सोता है, आप मुंह पे कंबल लेके सोते हो, आप भी कंबल के बगैर सो ना, आपका मुंह ऐसे ही होगा। लगाऊंगा मैं आपको स्पेशल, मेरे कैसे ना लगाई ना, मैं अपने व्लॉग में लगा दूंगी। अल्लाह नहीं मैं लगा दूंगी, रहने दे, लगा दूंगी टेंशन है, मैंने चेक किया इतनी भी बुरी नहीं है, प्यारी लग रही सोती हुई। तो अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे, कुछ रास्ते से पकड़ते हैं, खाते जाते हैं, रास्ता गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि इतना लंबा रास्ता है कि हम लोग बस चलते जाओ। लाहौर से 6 से 7 घंटे का रास्ता है, और अभी कितने घंटे गुजरे? हमने जाना चश्मा बराज। हाँ। चश्मा बराज बड़ी प्यारी जगह है, पता मैं एक दफा शूट पे गई थी। हाँ। तो अब वहाँ पे जा रहे हैं, अब 3 घंटे लगेंगे, अभी हम पहुँचते हुए 3 घंटे भी हो गए हैं, 3 घंटे माशाल्लाह आप सोई हैं, आप फुल खुल के सोई हैं। तो अब बस अभी जाते हैं, पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चश्मा बराज, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। A few moments later. ओए रास्ते में भी क्या हुआ है, एकदम बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज। एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह मुझे लगता है वो स्लिप हुई है शायद। बहुत बुरा एक्सीडेंट लग रहा है, देख के आए। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ, हमारी गाड़ी तो ये खड़ी हुई है, यहाँ पे आके जाने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? पिलर गिर गया। पुल का पिलर। यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहा है ये देखे, यहाँ पे सामने वो क्रेन वगैरह भी आ गई हैं, यहाँ पे समुंदर है, समुंदर के ऊपर ब्रिज वगैरह बना रहे थे, यहाँ पे पिलर गिरा है। 3-4-5 घंटे हमें यहाँ बैठना पड़ना है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। लोगों को सारा साइड पे गाड़ी जा रही है, देखें वो साइड पे कर रहे हैं सारों को। इकरा जी पिलर गिर गया आगे, ब्रिज बन रहा था उसका पिलर गिर गया है। अब 3-4 घंटे यहीं पर बैठना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही मुझे क्या करें। अच्छा था हम घर में इंतजार कर लेते, अरीब पर नींद नहीं ना पूरी। अब तो हमें क्या पता, सजा मिल रही है। बेशक हमें क्या पता था कि यहाँ पे ये हो जाएगा। यार ये तो ज्यादा बड़ा प्रैंक हो गया यार। भाई है यहाँ पे कोई रास्ता दूसरा? नहीं भाई अभी तो यहाँ पे खेत है, खेत है, मुंडा खाना तुमने? मुंडा तुम्हें क्या पता हो केको को, मुंडा क्या होता है? इकरा राइस क्रिस्पीज खाने। वाह भाई वाह, मजा का मिलना। अब हम वेट करेंगे 3-4 घंटे और स्वीट राइस क्रिस्पीज खाएंगे हम, ठीक है। अरीब आप मुझे कह रहे हो मैंने इस तरह का मरूंडा खाया, मैंने इस तरह की 1000 चीजें खाई हैं। अच्छा? हाँ जी, गचक, मरूंडा, टांगर, पूड़ा, बताओ आपका नाम पता है उनके? ये क्या है? मेरा बूटा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। 1 hour later. फाइनली घंटे बाद हम यहाँ से मूव कर गए हैं, अब निकल रहे हैं, और ये सामने देखें ये घोड़ा खड़ा हुआ, ये नाराज है, उसने टेढ़ा किया हुआ है, वो मेरे से नाराज हो गया। हम जो है वो फाइनली पहुंच चुके हैं मियां वाली। तो भाई मियां वाली से हमें कौन कौन लोग देखते हैं जरा कमेंट में हाजिरी लगवा दें। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आपके शहर से गुजरे हैं, सोचा हम अस्सलाम वालेकुम करते जाएं। आप कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी, कमेंट में बताएं मियां वाली से कौन कौन लोग हैं। मियां वाली देख रहे हैं हम यहाँ से, बस अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे, और इतना थकने के बाद अरीब साहब ने तो सही नींद पूरी की। अलग लेवल की ठंड है यहाँ, अलग लेवल की ब्राज में, अलग लेवल की ठंड है। हमारी जैकेट शैकेट लेके आई हो? हाँ जी, 2 जैकेट्स रखी हैं मैंने, आपको तो याद नहीं था। बहुत प्यारा मौसम है, लेवल की ठंड नहीं है, मौसम बहुत खूबसूरत है। अरीब इधर आपको एक चीज दिखाऊं, ये बेबी डॉल ने अपना कमरा देखो, ये हमने जो माइयों पे रखी थी ना, ये ब्राइड मेड वाली, वो देखो उसने अपने कमरे में कितनी प्यारी लगाई। ये किसकी है? ओए बलून भी बहुत प्यारा लग रहा है, वॉच वो भी देखो, वॉच भी बहुत प्यारी बटरफ्लाई वाली, ये तो अलग लेवल की है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये कैसे, मुझे तो ये आइडिया ही नहीं आया। हल्का फुल्का रेस्ट करते हैं, खाना खाना खाते हैं, फिर निकलते देखते हैं चश्मा बिराज कैसा है, फिर सैर वैर करते हैं यार। वैसे अरीब जिस हिसाब से यहाँ पे सर्दी है ना, बिल्कुल परफेक्ट डिश सर्व हुई, जैकेट भी पहन ली, जैकेट भी पहन ली, उस हिसाब से हमें मिला है भाई सूप, और सूप का क्या कमाल टेस्ट है, बहुत मजेदार। मजेदार। चलो जी अब लग गया है भाई फाइनली खाना, क्या क्या बना दिया उन्होंने भाई, सबसे पहले तो मजे की बिरयानी, फिर ये बोला क्या कह रहा हूँ, क्या मजा आएगा तुम्हें बिरयानी खा के। ये आपके जीजा जी ने बनाई है, क्या मस्त बिरयानी बनाते हैं, मस्त बिरयानी। देखो उनके हस्बैंड बिरयानी बनाते हैं मस्त, मेरा हस्बैंड कब बनाएगा।
मैं बड़ा बस ब्रेकफास्ट बना रही है, बस वही काफी है। अब हम बस खाना खाना खाने लगे हैं, फिर हम फ्रेश होएंगे, खाना खाते हैं। A few moments later. चलें जी गाइस, हम लोग हो गए थे खाने जाने से फ्री, खाना खाना खा लिया, बहुत मजे का बना है भाई। और वो ऐसा लग रहा है कि सही जो ट्रैवल करके आए हैं उसके बाद रास्ते से जो नहीं कुछ खाया ना वो बहुत अच्छा किया है। अब क्या करना है, क्या सीन है फिर? अब तो मुझे ऐसी नींद आ रही है, थक गया हूँ, पेट फूल हो जाए तो मैं पता फिर कैसी नींद आती है, क्लास किस्म की, ऊपर से यहाँ पे इस कदर की ठंड है। हाँ? तो और में इसका 1% भी नहीं है यार, यहाँ पे जो ठंड है ठंड से जान जा रही है। वो जो हम ठंड में वहाँ पे ना मिली हनीमून पे, यहाँ पे मिल रही है। वहाँ पे हम लोगों ने सही गर्मी एंजॉय किया, यहाँ पे भाई हर कमरे में हीटर लगा हुआ है, हम बस हीटर के आगे से हिल ही नहीं रहे हैं। खैर अभी अरीब सीन ही है कि गाड़ी में काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, हम लोगों ने देने हैं, जो आप के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, वो गिफ्ट्स उनको देते हैं। याद आए? हाँ जी, बाकी सबको दे दिए थे, इनको दिए थे। इनके वो उमरा बॉक्सेस भी हैं और साथ में बाकी जो गिफ्ट्स लेकर आए हैं वो भी। चले हम ना कपड़े शपड़े मैं खुद निकालूंगी, क्योंकि इसमें सारे मेरे आपके कपड़े मिक्स हैं, तो उनके आने में हम सारे थोड़ी खोलेंगे। तो अभी हम दोनों इस कमरे में हैं, तो मैंने कहा मैं जरा उनकी चीजें जो बच्चों के लिए मैं लेके आई थी वो हम निकाल लें। A few moments later. चलें जी, ये हम दे रहे हैं। पहले तो ये हमारा जो मुकद्दस गिफ्ट है, ये माशाल्लाह ये आपका हाउस वार्मिंग गिफ्ट है हमारी तरफ से। ये देखो निमल, कैसा है गिफ्ट? कैसे ठीक है? हम बाकी गिफ्ट भी लेके आए थे आपके लिए, हम हनीमून ट्रिप से सबको मिल गए थे, सिर्फ आप रह गई थी और जिमल रह गई थी। दिस इज फॉर जिमल, हसन के लिए भी देते हैं मेरी माँ। उसको पहले अपने भाई की टेंशन पड़ गई, मेरे भाई के लिए कहाँ पे है, मेरे भाई का, मेरी बहन का। Oh my god! This is pretty? Yes. This is for Zimbabwe. Thank you, one Thank stars back. उसको अपने भाई की फिक्र पड़ी हुई है यार, ये बहने वैसे भाई से बड़ा प्यार करती है। दिस इज फॉर हसन। यस, दिस इज फॉर हसन। ओके, ये वाला दिस इज फॉर बाबा ना, दिस इज फॉर हसन वन, दिस इज फॉर हसन टू। ओके, ये वाला, ये मामा, इट्स नॉट फॉर यू। कितनी चलाक है कसम से, उसने सारे फेंक दी, कहनी वो वाला दो मुझे बड़े वाला गिफ्ट। एंड दिस इज फॉर बाबा। ओके, तो ये गिफ्ट है, ये भाई मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया, ये हमने भाभी के लिए भी लिया था। ये हमने सबके लिए ये लिया था, सबके लिए लिया था, भाभी के लिए, भाभी के लिए, दूसरी सिस्टर के लिए, और ये सबसे बड़ी सिस्टर के लिए। मैंने कहा था भाई अभी तो ये आप ओपन करेंगी। अच्छा ये इफ यू वांट हम इसको अनबॉक्स करके, क्योंकि मेरी आवाम ने कहा था कि डब्बा दिखाएं इनके बीच आएगा कि ओके ओपन करें। पहले मामा को देखे हो ना, फिर बूंद से लेके फिर मामा को दे दो। पहले मामा को दे दिया। चलिए आपको गिफ्ट मिल गया, अब आपने ही अनबॉक्स करना है, आप करके दिखाएं लोगों को। लोगों ने बहुत फरमाइश की थी, भाई ये वो गिफ्ट है जो लोगों ने कहा था, भाई आपने सफोरा से जो इतने बड़े बड़े डब्बे लिए उन डब्बों में क्या था। मैंने किसी डब्बे में जो है वो किसी डब्बे को मैंने ओपन करके नहीं दिखाया, लेकिन ये जो है ना फाइनल डिब्बा, इतने कॉमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं ओपन करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बल्कि हम कहते हैं आप ही आप ओपन। हां भाई, ये मेरे से नहीं ओपन होना भाई, आप ही ओपन करके दिखाएं। इकरा ओपन करेंगे, जिमल एंड इकरा ओपन करेंगे। ये वो बॉक्सेस है जिसमें मेरी इकरा की लड़ाई हुई थी कि इकरा इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हम कैसे लेके जाएंगे, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ये बॉक्स अपने लिए भी नहीं लिया। ये हमारा डिब्बा है और ये संभाल कर रही हूँ, ठीक है? ये सबसे पहले तो ओ तेरी खैर, ये तो मुझे कैंडीज लग रही है। ओ माय गॉड, व्हाट्स इनसाइड? तो ये सारी जो है ना वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। वन बाय वन मैं ओपन करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सफोरा पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, सफोरा पाकिस्तान में नहीं है। इतने से डब्बे में से ये क्या निकला? प्रैंक किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? इन्होंने प्रैंक नहीं किया। ज़िमल, यू कैन होल्ड दिस, ओके? शो इट टू मामा, मामा को दिखाते जाओ, ठीक है? वो एक था ब्यूटी ब्लेंडर था और दूसरे बॉक्स में, ये तो प्रैंक कर रहे हैं, ये चारकोल मास्क है और इसमें ये वो हाइलुरोनिक है, स्किन अगर ड्राई है तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली इसमें मेकअप की भी चीजें हैं, अगर हम ये बताने लगे इसलिए पूरी रात ये बताते रहना है। दिखाएं भाई, इतनी क्यूटी ये ब्लशन है भाई,
मेकअप का पूरा सामान है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आई, एड्डा मोटा डब्बा ते एड्डी ब्रीक प्रोडक्ट ए की है? उन्होंने वो सियाने हैं, उन्होंने प्रॉपर उसमें से किया वो चीजें बनाई हुई है। सो ये रेड कलर का लिप शेड है, ये आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अपने एक हनीमून वाले वो उस पे क्या लगाया था, मालदीव में मेरी एक रेड लिपस्टिक में पिक्चर थी, तो मैंने ये तुमने तो कहा था मैंने अपने लिया ही नहीं था, मैंने अपने लिए एक लिपस्टिक पाउच लिया था री, और ये मस्कारा है, और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं भाई, और जो ये है ना ये भी क्यों इस पे ये क्यों लिखा हुआ है डू नॉट ड्रिंक, ये परफ्यूम है ना इसलिए लिखा है डोंट ड्रिंक करीब, ये परफ्यूम बेसिक सी, ये तो वैसे ही बात है कि उसको पीना नहीं है। हाँ तो लेकिन ये आप ही खुद ओपन करेंगे, ये परफ्यूम है यूदी परफ्यूम सेफोरा का, ठीक है जी। ये पर्चियां निकल रही हैं यार, उन्होंने कितना फोल्ड करके मास्क रखा हुआ है, ये वो है अंडर आई मास्क, बस उन्होंने ना डब्बे में डाल के रखे ना डब्बा बड़ा करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए ना उसको ये किया हुआ है, और एक हैंड क्रीम थी आलमंड हैंड क्रीम इसमें से निकली है। अच्छा मैं आपको ये चीज इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कभी जाए तो आप डब्बा खरीदे ना खरीदे, आई विल सजेस्ट यू टू बाय और नॉट, वाटरमेलन फेस मास्क। अच्छा इतने बड़े बड़े बॉक्स में लेकिन चीजें काफी ज्यादा हैं, काफी कुछ है, अच्छी खासी चीजें ये वो, मेरे ख्याल से अलग अलग खरीदने से बेहतर ये नहीं था, हमने तब भी चेक किया था कि बेहतर यही था, अलग ये सबसे बेहतर इसीलिए लगा क्योंकि मुझे था कि स्किन टाइप किस तरह की होती है, लिपस्टिक्स भी निकल आएंगी, ये लाइनर इनकी लाइनर बहुत अच्छी, वाओ इट्स व्हाइट एंड इट्स नेल पॉलिश, ये शाइनर है बेबी, ये बड़ी प्यारी, ये बड़ी मजे की चीज है भाई, ये मॉइस्चराइजिंग लिप बाम है, ये बहुत ही मजे की, तो ये सब चीजें थी और मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट टू बाय, कि आपने अगर किसी को गिफ्ट करना हो और आपको समझ ना आ रही हो कि इतने सारे स्टोर में से क्या क्या चीजें खरीदे ना, लिपस्टिक लाइनर मस्कारा स्किन केयर में सब कुछ आपको मिल जाता है, तो इट्स वर्थ इट, तो ये अच्छा है गिफ्ट देने के लिए और चीजें करने के लिए। ये थी हमारी आज की गिफ्ट, तो हम जो है वो गिफ्ट हैंड ओवर करते हैं, वो अपनी चीजों को समेट के रखेंगे। A few moments later. चले जी गाइज, हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा थक गए थे और गिफ्ट शिफ्ट दे दिए, फिर हम लोगों ने फ्रूट पार्टी की, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई, और अब जो है वो काफी ज्यादा हम थक चुके हैं क्योंकि कल रात को भी मेरी प्रॉपर नींद नहीं पूरी हुई, सुबह से सही सोए नहीं, बस गाड़ी में ही सोए हैं जितना सोए हैं, और अभी मुझे लगता है कि हमें मजीद रेस्ट की जरूरत है, सुबह हम प्रॉपरली जो है वो चश्मा को एक्सप्लोर करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ से ताल्लुक रखते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाके मुझे घुमा फिरा जाए, क्योंकि अभी दो दिन तक हम लोग यहीं पे हैं और यहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। खैर मुझे आज बहुत 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 मज़ा आया, अच्छा लगा, थकावट अपनी जगह, लेकिन जो हम लोगों ने गपशप की सब फैमिली वाले बैठे हुए थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आज का जो दिन था वो बस गुजर गया जैसे तैसे करके, कल इंशाल्लाह प्रॉपर अपने दिन का आगाज करेंगे चश्मा बिराज में और वहां पे मिलेंगे, हमें कुछ लोग भी यहाँ पे मिलने आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और अब जो है वो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अपना आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मेरी वीडियोज को आप लोगों ने ऐसे ही पसंद करते रहना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बस ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।